1987 का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पहली बार इंग्लैंड से बाहर होने जा रहा था। जगह चुनी गई भारत और पाकिस्तान, स्वरूप वही, उजले कपड़े, लाल गेंद और दिन की रोशनी के मैच। इस वर्ल्ड कप में कुछ बदला तो वो थी ओवरों की गिनती। विश्व कप पहली बार 50 ओवरों का हुआ। भारत के क्रिकेट प्रेमियों की अपेक्षाएं सातवें आसमान में थी, क्योंकि उनकी टीम पिछला वर्ल्ड कप भौकाल से जीती हुई थी और इस बार टूर्नामेंट घर में हो रहा था। खेल पलट गया, सपने चकनाचूर हो गए, टीवी सेट फूटने लगे, खिलाड़ी तो देशवासियों के लिए विलन सरीके हो गए। लेकिन इसी विश्व कप सेमीफाइनल में तैयार हो रहा था भारतीय क्रिकेट का भविष्य। जो मैच में बाउंड्री लाइन के पार बैठा बॉल बॉय की भूमिका में था, वो मैच भारत हार गया, लेकिन उस 14 साल के लड़के ने बाउंड्री लाइन के दूसरी ओर जाने की ठान ली थी। 2 साल बाद 15 नवंबर को वही लड़का पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और फिर इतना खेला कि 100 शतक ठोक डाले। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर उस सेमीफाइनल में बॉल बॉय की भूमिका में विश्व कप देखने आए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं कैचअप की खास प्रस्तुति वर्ल्ड कप बायोस्कोप। इस बार एक ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें थी तो दूसरे में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें थी। मेजबान भारत ने इस बार लीग मैचों में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया। उसने 6 में से 5 मैच जीते और ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में पहुंची। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने जबरदस्त खेल दिखाया और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही। इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी इंग्लैंड। पाकिस्तान अगले राउंड में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ी और तेज गेंदबाज मैकडरमॉट के सामने उसने घुटने टेक दिए। इमरान खान और जावेद मियादाद के 8 शतक बर्बाद हो गए और टीम सेमीफाइनल में 18 रनों से हार गई। दूसरी ओर भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ। पहले खेलते हुए इंग्लिश टीम ने सलामी बल्लेबाज ग्राहम गूच के शानदार शतक की बदौलत 254 रन बनाए, जो उस दौर के पिच और लाल गेंद के सामने 50 ओवरों में हासिल करना थोड़ी टेढ़ी खीर हुआ करती थी। भारतीय बल्लेबाजों ने मैच जीतने के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन कोई पिच पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया और टीम ऑल आउट हो गई। एक बड़ी पारी के अभाव में भारत ये मैच 35 रनों से हार गया, जबकि 27 गेंदों का खेल अभी बचा हुआ। वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने थे चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। सलामी बल्लेबाज डेविड बून की पारी की बदौलत टीम ने 50 ओवरों में 253 रन बना डाले। इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों ने भी उस दिन धैर्य के साथ क्रिकेट खेला, लेकिन लक्ष्य से 7 रन पीछे रह गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार बनी क्रिकेट की विश्व चैंपियन। तो ये तो थी चौथे वर्ल्ड कप की कहानी। स्पोर्ट्स से जुड़े अन्य किस्सों के लिए देखते रहें कैचअप।